नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल्द ही आशा बहुओं की बहाली। सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दो तिहाई शहर बिहार के। एक्टर सोनू सूद देंगे ग्रेजुएट चाय वाली का साथ। बिहार के वैशाली सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने जताया दुख। रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को लेकर की थी भविष्यवाणी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्कूल में कम हुई बच्चों की उपस्थिति तो नपेंगे प्रिंसिपल और टीचर। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा और बच्चों की उपस्थिति को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बता दें कि निर्णय के तहत अगर अब राज्य के किसी सरकारी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 60% से कम रहेगी तो उसके लिए टीचर और प्रिंसिपल की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि अब अनुपस्थित छात्र और छात्राओं के अभिभावकों से शिक्षक या प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा और उन्हें जागरूक करना होगा कि छात्र जल्द से जल्द स्कूल आए। इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से कड़े निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को हर माह स्कूलों का निरीक्षण करना होगा और उसे संबंधित रिपोर्ट देना होगा। एक्टर सोनू सूद देंगे ग्रेजुएट चाय वाली का साथ। ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फेमस प्रियंका गुप्ता की मदद करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी खड़े हो गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रियंका गुप्ता का स्टॉल हटा दिया गया था, जिसे लेकर प्रियंका ने एक वीडियो बनाया था और वह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें नई जगह देने की बातें कही गई थी। इसी को लेकर अब सोनू सूद के द्वारा दावा करते हुए ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि प्रियंका चाय वाली के लिए एक नई जगह की व्यवस्था कर दी गई है और अब उन्हें वहां से कोई नहीं हटा। इसके साथ उन्होंने लिखा कि वो जल्द ही बिहार आकर प्रियंका चायवाली की चाय का लुत्फ उठाएंगे। बिहार के वैशाली सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने जताया दुख। बीते दिन रविवार को बिहार के वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 8 बच्चे समेत 4 महिलाओं की मौत हो गई है। हालांकि अब तक मौत होने वाले लोगों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस घटना के घटित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े मंत्रियों ने दुख जताया है। दरअसल बीती रात तेज रफ्तार ट्रक ने दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंद दिया और फिर पीपल के पेड़ में जा भिड़ा। हालांकि इस घटना में पीड़िता के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से 2-2 लाख रुपए और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के तौर पर दी जा रही है। बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन करने की तिथि 6 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी 68वीं परीक्षा को लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थी 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अगर बीपीएससी से जुड़ी कुछ परीक्षा की जानकारी पाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें आयोग की वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री ने नहीं किया जनता दरबार। आज यानी सोमवार को लगने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार स्थगित हो गया। हालांकि अब तक स्थगित होने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने दांत का इलाज करवाया है, जिस वजह से वह आज के जनता दरबार में शामिल नहीं हो पाए और उसे स्थगित करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 4 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल भवन निर्माण के मेंटेनेंस को लेकर मुख्यमंत्री आवास में ही 18 नवंबर को बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने न तो कोई कार्यक्रम में भाग लिया है और न ही किसी प्रकार की कोई बैठक की है। बिहार में जल्द ही आशा बहुओं की बहाली। पंचायत और वार्ड स्तर पर आशा बहुओं की बहाली को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बता दें कि महिलाएं घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के सेहत की देखभाल करने के लिए होती है, जिसे पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं इस पद के लिए उन्हीं की बहाली की जाती है जो उस पंचायत के स्थानीय निवासी हो। जारी अपडेट के अनुसार बिहार में जल्द ही 6,537 आशा बहुओं की बहाली की जाएगी। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर 8वीं से 10वीं कर दिया गया है। 3 फीट की दुल्हन और 3 फीट के दूल्हे की हुई अनोखी शादी।
बिहार के सीतामढ़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां 3 फीट की दुल्हन की शादी 3 फीट के दूल्हे के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई है। बता दें कि 3 फुट की दुल्हन पूजा को अपने लिए दूल्हा ढूंढने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो वही दूसरी ओर 32 साल के योगेंद्र भी काफी लंबे समय से अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहे थे, और अंत में इन दोनों की जोड़ी भगवान ने बना दी, जिसे देखने के लिए पुनौरा धाम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। बता दें कि दूल्हा सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के रामपुर परौरी गांव का रहने वाला है। शादी के दौरान दूल्हे दुल्हन दोनों के परिवार शामिल रहे। सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले 2/3 शहर बिहार के। ठंड के मौसम में बढ़ती वायु प्रदूषण लोगों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार देश भर में वायु प्रदूषण वाले 2/3 शहर बिहार के हैं। आज सुबह 10 बजे के जारी आंकड़े के अनुसार बिहार के जिन शहरों में वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक है, उनमें बेगूसराय में 369, बक्सर में 368, छपरा में 316, दरभंगा में 354, कटिहार में 327, पटना में 322, पूर्णिया में 317, सहरसा 327 और समस्तीपुर में 357 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ शामिल किया गया है। इन सभी शहरों में AQI 300 के पार है, जिस वजह से इन सभी शहरों की गिनती रेड जोन में की जा रही है। बिहार के 300 से अधिक निजी कंपनियों में करोड़ों डूबने का डर। बिहार राज्य में 300 कंपनियां ऐसी हैं जो अवैध रूप से करीब 200 करोड़ रुपए लोगों से ले चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इन कंपनियों को जमा लेने की अनुमति नहीं दी गई है, जिस वजह से लोगों के मन में यह डर आ गया है कि कहीं उनमें जमा किए गए सारे पैसे डूब न जाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी कंपनियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिसके बाद इन सभी कंपनियों का वित्त विभाग के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। बताते चले कि सभी कंपनियों को NDH-4 फॉर्म भरना होता है, जिससे यह जानकारी मिल पाती है कि सभी कंपनियां केंद्र सरकार के नियम कायदे में काम कर रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि राज्य में 321 कंपनी ऐसी है जिन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं किया है, और ऐसी ही कंपनियों में पैसे डूबने का डर लोगों को ज्यादा सता रहा है। बिहार से दक्षिण भारत जाने वालों के लिए राहत। यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे के द्वारा बिहार से दक्षिण भारत आने जाने वाले यात्रियों को राहत दी है। बता दें कि इसके लिए सोमवार से पटना के दानापुर और दरभंगा से बेंगलुरु एवं एर्नाकुलम के लिए 15 दिनों तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जिन स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है उनमें ट्रेन नंबर 03253 दानापुर, SMB 03254 SMV बेंगलुरु दानापुर स्पेशल ट्रेन, 05555 दरभंगा एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन और 05556 एर्नाकुलम दरभंगा स्पेशल ट्रेनें शामिल की गई हैं। 13 दिसंबर से होगी राज्य अंतर विद्यालय प्रतियोगिता। खेल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान के तहत आगामी 13 दिसंबर को बिहार राज्य अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह शतरंज प्रतियोगिता 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पटना के कंकड़बाग में क्रीड़ा परिसर में पाटलिपुत्र शतरंज अकादमी के द्वारा आयोजित की जाएगी। वहीं इस प्रतियोगिता में हर एक कैटेगरी से चयनित 2-2 खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक खिलाड़ी 10 दिसंबर तक पंजीकृत कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं को नोटिस पर भर के सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्रियों समेत बीजेपी नेताओं को सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के दबाव में आकर राजनीति कर रहे हैं। नीतीश सरकार चाहती है कि वह नोटिस भेजकर बीजेपी नेताओं से भारी भरकम जुर्माना वसूल ले। नीतीश सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के मुद्दे को लेकर पहले श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिना पद के 1.5 साल तक सरकारी बंगले में रहे थे। वहीं जिन बीजेपी नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है, पहले उनके नाम आवंटित आवास को खाली कराकर उसे रहने लायक बना दिया जाए। कुढ़नी में नीतीश तेजस्वी साथ करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों एक साथ मिलकर चुनावी रैली में भाग लेंगे। बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब एक मंच पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ किसी चुनाव को लेकर प्रचार करते दिखाई देंगे। इस बात की जानकारी बीते दिन रविवार को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा दी गई है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सीट पर जदयू के पूर्व मनोज कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बताते चले कि चोट का हवाला देते हुए हाल ही में नीतीश कुमार ने मोकामा और गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में प्रचार से अपनी दूरी बना ली थी। वहीं अब जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। हालांकि अभी तक आरजेडी की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को लेकर की थी भविष्यवाणी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव के दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें उस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया। बता दें कि सूर्य कुमार यादव के इस विस्फोटक पारी के बाद रोहित शर्मा का 11 साल पहले किया गया ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सूर्य कुमार यादव को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा था कि अभी BCCI का चेन्नई में पुरस्कार समारोह खत्म हुआ है, कुछ एक्साइटिंग क्रिकेटर आने वाले हैं मुंबई में। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज होंगे जिन पर भविष्य में सबकी नजर होगी। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद फैंस अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया सामने दे रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके अनुसार आज राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.22 रुपए और डीजल की कीमत 94.02 रुपए निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर में आज पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में आज पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.50 रुपए प्रति लीटर। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.28 रुपए और डीजल की कीमत 94.99 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। वहीं बिहार के जिस जिले में पेट्रोल डीजल के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, वह जिला किशनगंज है, जहां पेट्रोल की कीमत 109.40 रुपए और डीजल की कीमत 96.04 रुपए प्रति लीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, उमेश ऋषिदेव, के सिन्हा, मुतुल रंगीला, कुलदीप कुमार, पवन सिंह, मोहम्मद नौशद राजा, रमा शंकर तिवारी, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में सड़क हादसे को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।